हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है जो हमारे JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट चल रहे हैं, इसका मॉक टेस्ट 3 था आपका, जो आपका 4 और 5 अगस्त को हुआ था, और आज 6 अगस्त को आपके लिए मैं लेके आया हूँ एनालिसिस का वीडियो कि क्या क्या चीज़ें थी। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीक एरियाज़ को, और आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ बताते हुए। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मॉक टेस्ट 1 में स्टार्ट किया था अपना स्कोर 30-40 के बीच में, आज के टेस्ट में मैंने बहुत सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट देखे हैं। वो मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं, ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। तो उन लोगों का जो मैंने देखा वो ये था कि वो अपना स्कोर 40 से बढ़ा के तीसरे मॉक टेस्ट में ही 65+ ले गए हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ ये आपको बता दूँ, जो आपके पिछले टेस्ट के टॉपर थे मॉक टेस्ट 2nd के, वही आपके मॉक टेस्ट 3rd के भी टॉपर हैं अभी तक फ़िलहाल, जहाँ तक मैंने स्कोर देखे हैं। तो शारिक हैं वो, आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे वो दिख जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ना ही सिर्फ खुद लीड कर रहे हैं, बल्कि वो आप लोगों को भी इतने MCQs दिन के अपलोड करते हैं, जो जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी आपके साथ भी शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि यही एक छोटा सा मोटिव हमारा भी है कि जो चीज़ें हमें आती हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, और वही चीज़ वो भी कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख के। तो पूरा डिटेल एनालिसिस पे हम बात करेंगे क्या था इस टेस्ट में, लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये टेस्ट हम देते कहाँ पे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है ऑलिव बोर्ड। आपको वहाँ पे एक ऐप दिखेगी, आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ऑलिव बोर्ड उसका नाम होगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब आपको साइन अप करना है उस पे, और साइन अप के बाद आपको बता दूँ इस तरह से आपकी स्क्रीन खुलेगी जब आप डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे दिख जाएंगे JK एग्ज़ाम्स। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम्स दिख जाएंगे, JK JNK के जितने भी हैं, JK बैंक हो जाए, फिर वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो जाए, ये क्लास 4th। तो हमने आज दिया था अपना पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट। अब जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस तरह से आपकी स्क्रीन में खुलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है JK पंचायत पे। जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अगर उन्हें बुक को ही रेफ़र की जाए जो हम पढ़ाते हैं उसके अलावा, या मॉक टेस्ट के अलावा, तो आपको बता दूं आप ये JK पंचायत के लेसन्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, उस हर एक टॉपिक पे आपको 5 से 6 पेज के नोट्स मिल जाएंगे, ये अपलोड कर रहे हैं साथ साथ में। तो ये इतना, अगर आप ये दो चीज़ें जो हम 3 कर रहे हैं, एक हम जो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, दूसरा जो हम मॉक टेस्ट से इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये तीसरा लेक्चर, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा कुछ डिमांड करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे, आपको बता दूँ ये मोर देन सफिशियंट है हमारी स्टेट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आज से पहले जो चीज़ें होती थी, आपको बता दूँ, आपको 15,000 रुपये की कोचिंग फ़ीस देनी पड़ती थी, उसके बाद आपको 3,000 रुपये की अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए अपने आप को एनरोल करना होता था, जिसमें हार्डली आपके 50 से 60 बच्चे ही होते थे, और उसमें अंधों में काना राजा वाली बात ही चलती आ रही थी। नोट्स के लिए आपको बुक्स अलग से खरीदनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल 20 से 25,000 रुपये का बनता था, जो अब आपको बता दूँ हार्डली 600 से 700 रुपये मैक्सिमम आपके यूज़ होंगे इसमें। लेकिन ये चीज़ें आपको आपको एक रियलिटी दिखाएंगी, क्योंकि आज मैं जम्मू में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई बच्चा जो श्रीनगर में है, शोपिया में है, कुलगाम में है, बडगाम में है, वहाँ से आप देख रहे हैं कि आप उनसे कितने मार्क्स पीछे हैं, और वो कितना अच्छा आपसे कर रहे हैं, और वो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये यही हमारा एक इनिशिएटिव था इस चीज़ को पूरा स्टार्ट करने का आज से 1-1.5 साल पहले, जो अब मुझे सही होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग इन टेस्ट सीरीज़ पे जाएंगे तो आपको बता दूं इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको लेसन्स लेने हैं आप इस पर कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज जो हम दे रहे हैं वो इस तरह से है। अभी हमने 3rd दिया है, पहले 2 के एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपको वो मिल जाएंगे। आपको ये आई बटन पर मॉक टेस्ट एनालिसिस मिल जाएंगे, लेकिन आप एनालिसिस तभी देखिएगा अगर आपने टेस्ट दिया है, आपको उसके बाद ही इसका फ़ायदा होगा। तो एनालिसिस के बाद जब आप इस पर जाएंगे तो आपके लिए सामने एक बॉक्स खुलेगा, जिसमें आप इस तरह से आपको दिखेगा हैव अ कूपन कोड। अगर आप यहाँ पे इस तरह से SSS लिखते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा
जो कि आपको टोटल से तकरीबन 100 रुपये सस्ता हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कर रहे हैं। आप टेस्ट ले लें, आपके पास ये टेस्ट पड़े रहेंगे। अब बात करते हैं हम हमारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, क्या था इस टेस्ट में और किस तरह से इस चीज़ों को हम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपके सामने जनरल अवेयरनेस सेक्शन, 30 मार्क्स की सेक्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक ये कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इस सेक्शन में। आपको एग्ज़ाम में भी 30 में से 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर के दिखेंगे। आज ही मैंने आपको करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी बताया है, और इनके टेस्ट भी आपको बता दूँ मेजॉरिटी पार्ट जो था वो सेम था। स्टेट की करंट अफेयर पूछी गई थी, और जो बाकी चीज़ें जिस तरह से आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल कौन सी बनी है रिसेंटली न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन थे। ओवरऑल ये सेक्शन आपकी जो थी वो आज मैं कहूँगा ईजी से मॉडरेट थी, पता नहीं क्यों, लेकिन क्वेश्चंस मुझे जहाँ तक मैंने देखे वो मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए लग रहे थे और कहीं ना कहीं खुद पढ़े हुए लग रहे थे। और बच्चों का स्कोर देख के भी मुझे यही आइडिया हुआ कि बहुत सारे बच्चे इसमें 15 प्लस 18 प्लस लेके गए हैं। तो जिन बच्चों ने भी इस सेक्शन में 15 से 18 तक स्कोर किया है वो बहुत ही अच्छा स्कोर है इस सेक्शन के लिए आप लोगों का। 18 मार्क्स अगर आप 30 में से इस सेक्शन में लेके आने हैं तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर सेक्शन, वापस से कंप्यूटर का जो लेवल था वो आपका इजी नहीं था। क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने पड़ रहे थे, फिर आंसर देने पड़ रहे थे, लेकिन फिर से बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है कंप्यूटर सेक्शन में। तो मैं ओवरऑल एक आपको एनालिसिस दे रहा हूँ जो 2000 के करीब करीब बच्चों ने टेस्ट दिया है उनका। कंप्यूटर सेक्शन में इजी नहीं थी, आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के भी थे। इस सेक्शन में अगर आप लोगों ने 16 से 18 के बीच में अगर स्कोर किया है, मैं ये थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ आपको, लेकिन बच्चों ने स्कोर किया है तो मैं आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप 16 से 18 के बीच में स्कोर कर रहे हैं इस सेक्शन में तो वो आपकी सेक्शन बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि ये 30 मार्क्स की आपकी सेक्शन है। और इन 30 मार्क्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है, अभी आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जल्दी ही मैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको कम से कम 100 से 200 MCQs एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वीडियो के थ्रू आपको करवाऊंगा। टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है कि जॉब के साथ टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो एक सीरीज़ है मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये होने वाली है कंप्लीट। मैं फिर आपको 100 से 200 MCQs लेके आऊँगा, तो आपको वो भी MCQs याद रहेंगे एग्जाम में, और ये आपका स्कोर कम से कम 5 मार्क्स और इम्प्रूव करेगा आने वाले मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट की बात करूं तो अकाउंटेंसी सेक्शन वापस से गेम चेंजर सेक्शंस में से एक है, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को एक एडवांटेज मिलती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं आपको बता सकता हूं जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी इन मॉक टेस्ट में अकाउंटेंसी सेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप अगर 14 to 16 अगर इसमें स्कोर कर रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी 30 मार्क्स की ही सेक्शन है। अब बात करते हैं 300 बच्चों के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि 90 मार्क्स का आपका वो पार्ट है और आप लोग इन तीन सेक्शंस को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं। साइंस की बात करूं तो साइंस के आपके 3 कॉम्पोनेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर आपको 5 लेक्चर्स MCQs के भी मैंने मैम ने दे दिए हैं, रूपाली मैम ने। तो आपको एक चीज़ बताऊं इस सेक्शन में, अब आपको मैं बताऊंगा किस तरह से इम्प्रूव हम कर सकते हैं। 10 मार्क्स की ये सेक्शन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे 4 से 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसमें से 2 से 3 ठीक हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप लोग 10 के 10 अटैम्प्ट कर दें इस सेक्शन में। कब करें, कब आपको ये परमिशन है, जब आपको 5 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके ठीक हैं, आपको पक्का उनके आंसर्स आते हैं, तो आपको मैं इस सेक्शन में छूट दे रहा हूँ कि आप 10 के 10 अटेम्प्ट कर लें। फिर वो अक्कड़ बक्कड़ करके भी आप कर सकते हैं जिस तरीके से, क्योंकि अगर आपके 4 भी ठीक हो रहे हैं, अगर 6 गलत हो जाते हैं तो तब भी आपका स्कोर 3.5 रहेगा इस सेक्शन में, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन 1 भी ठीक हो जाता है, 5 ठीक 5 गलत, तो आपका स्कोर 4 पॉइंट समथिंग होगा, जो इस 4 से बेटर ही होगा। तो आप इस सेक्शन में इतना रिस्क ले सकते हैं। इस सेक्शन की बात करूंगा तो कई क्वेश्चंस इसमें इजी थे, कई क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल इस सेक्शन की बात करूं तो अगर आप इसमें 4 मार्क्स लेके आने हैं 10 में से तो इस सेक्शन आपकी बहुत ही अच्छी थी। इकोनॉमिक्स की बात करूं अगर मैं तो सेम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इनके वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। एग्ज़ाम में आपको किस तरह से इकोनॉमिक्स आएगी हमें नहीं पता,
सेम स्ट्रेटेजी साइंस में हम फॉलो करेंगे, इकोनॉमिक्स में फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे हम हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें. लेकिन 10 के 10 आप अटेम्प्ट तभी करेंगे जब आपको 5 क्वेश्चन आते होंगे. तो अब आपका टारगेट क्या है? आपका मैंने काम आसान कर दिया है, आप इन 10 मार्क्स को ऑलरेडी सौतेला व्यवहार इनके साथ कर ही रहे हैं. तो आप इनके लिए 5 मार्क्स लाने की कोशिश करें कि 5 मार्क्स का पढ़ें, कि 5 मार्क्स हमें आए, क्योंकि लेवल काफ़ी अच्छा है. लेवल के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेवल आपको जो एग्ज़ाम देने जाएंगे एक्चुअल वो बहुत ईजी लगेगा इसके कंपेरिजन में. लेकिन ये 5 मार्क्स का टारगेट करें, अगर 5 हो जाते हैं तो आप 10 अटेम्प्ट इस सेक्शन में कर सकते हैं. अगर आपके 4 भी होते हैं तो आप देख सकते हैं रिस्क. लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 आता है और आप 10 के 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को हमें बचाना है. स्टैटिस्टिक्स का भी मैं आपको बता दूं, जो लेवल था काफ़ी अच्छा है. स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट पढ़ने वाला है वो मैंने सोचा है कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब हम करेंगे, जिसमें आपके सेट्स हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, तो वो वाला पार्ट आपका हम तब करेंगे. ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कवर हो जाएगा आपका. अब यहाँ पे ये तो थी बात, जो मैंने अभी आपको एक स्कोर बताए हैं हर एक सेक्शन के, कि 4 या 3 या 5, 20, 25, 18 जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ये क्या थे? ये था आपका बेस्ट स्कोर. बेस्ट स्कोर क्या मतलब? कि अगर आप इतना स्कोर इन सेक्शंस में कर रहे हैं तो आप अपनी सिलेक्शन कन्फर्म माने. अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है अपना स्कोर कार्ड, कि किन किन सेक्शंस में आप उससे ख़राब कर रहे हैं, किन किन सेक्शन में आप उससे अच्छा कर रहे हैं. अच्छे को आपको कंटिन्यू क्या करना है, कि उसको आप क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि आपको वो चीज़ें भूलें ना. और आपको अब वीक एरियाज को पकड़ना है और उसको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट में उसको भी आप ऊपर लेके आएँ. अब बात करते हैं हम थोड़ी सी और डिटेल में, कि अगर ये आपका एग्ज़ाम होता तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहता. मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले 2 मॉक टेस्ट बताए थे, और मैंने आपको क्या बताया था, जो डिफ़िकल्टी लेवल है अगर मैं उसकी बात करूं, जो टेस्ट आ रहे हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल 2nd मॉक टेस्ट में आपका बढ़ा था, 3rd मॉक टेस्ट में भी आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है. लेकिन प्राउड ऑफ यू, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में देख रहे थे वो ये है कि बच्चों ने इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस बार उन्होंने. पहले मॉक टेस्ट में क्या था, पहले टॉप मॉक टेस्ट में पहला टेस्ट था, बच्चों को कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वो सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे थे, नेगेटिव होता था कोई फ़र्क नहीं. 2nd मॉक टेस्ट में बच्चों ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई, 3rd मॉक टेस्ट में आते आते बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को बच्चों के स्कोर कार्ड देख के, कि जो एक टाइम पे 75 पे थे टॉपर, 80s में थे, वो बढ़ के अब 95 तक पहुंच गए हैं. और टफ एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम का लेवल आपके जो एक्चुअल एग्ज़ाम से होंगे वो काफ़ी टफ होगा. तो ये जो टॉपर्स 95 तक पहुंच गया है, मुझे लगता है कि एक्चुअल एग्जाम में 120 में से 120 ना लेके आए, वो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब बात करते हैं जो बाकी सबकी मेजॉरिटी की, अगर आपका ये एग्ज़ाम होता तो कट ऑफ क्या होता. जिस तरह से आपके टॉपर्स इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी तरह से आपके जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, या जो स्टार्टिंग में जिन लोगों के 35-40 आ रहे थे, वो लोग भी अब इम्प्रूवमेंट करके अपना स्कोर 50 क्रॉस कर चुके हैं मॉक टेस्ट में. बहुत सारे बच्चों ने 2nd मॉक टेस्ट में जिनके काफ़ी अच्छा स्कोर आया, उन्होंने अपने आप को इस टेस्ट को लाइटली लिया और उनका स्कोर गिरा. तो आपको मैं बता दूं, मॉक टेस्ट हर बार इस तरह से देना है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, आपको लाइटली नहीं लेना इन चीज़ों को. और उन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग पे भी काम नहीं किया ध्यान से, तो उनका स्कोर गिर गया. ज़रूरी नहीं आपका एक बार अगर तुक्का लग रहा है तो हर बार लगेगा, आपको चीज़ों को सीखना है. इन 120 के 120 MCQs को आपको सॉल्यूशंस देखने हैं, आपको नोट करनी है चीज़ें कि कहाँ कहाँ गलती की, और चीज़ें सीखनी है यहाँ से. तो इस बार अगर आपका ये एक्चुअल एग्ज़ाम होता तो इसका कट मैं आपको बता दूं, ये होता आपका 56 to 58, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दी है. और ये जो कट है ये मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मॉक टेस्ट के साथ ही बढ़ता जाएगा. आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा. जिन लोगों ने नहीं किया, आपको बता दूं आपके पास टाइम है, उन बच्चों की बातों में मत आएं जो आपको कह रहे हैं कि साल एग्ज़ाम नहीं होंगे. आज ही एक ऑर्डर आया है JKSSB की तरफ से ही, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ. तो ये आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं. ये ऑर्डर है क्या, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूँ. इस ऑर्डर में कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, या जो आपका अभी एक कैलेंडर आया था टेंटेटिव, जिसमें कहा गया था अगस्त से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उसको विड्रॉ कर लिया गया था, फ्रेश कैलेंडर दोबारा आएगा. लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये आप देखें. द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ रिव्यूड
द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मेजर्स अनाउंस्ड बाय द J&K गवर्नमेंट फॉर रीओपनिंग अनलॉकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। जब भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बात करते हैं कोविड के केसेस बढ़ने की, तो आप ये भी देखें कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो हर एक चीज़ को अनलॉक कर रही है। तो अनलॉक होने में लास्ट चीज़ अब रह चुकी है आपके एग्ज़ाम्स, और जिस दिन परमिशन मिल के जाएगी उस दिन आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही स्पीड में चल रहा है सब चीज़ें, केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, हर एक चीज़ को आप कुछ पॉजिटिव देखें, फिर वो कोविड पॉजिटिव हो या उसके साथ जो चीज़ें अलग से पॉजिटिव आ रही है, वो केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सारी चीज़ें खोल रही है। तो आप लोगों का अब यही टारगेट होना चाहिए कि अपने आप को इतना प्रिपेयर रखें कि अगर आपका कोई कहे कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आप तब भी जाके क्वालिफाई करके आए। हमने बहुत मेहनत की है इस सब चीज़ों के लिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो किसी की भी बातों में मत आए। एग्ज़ाम इस साल हो या अगले साल हो, आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि कल अगर आपको कोई कहे कि एग्ज़ाम देने जाना है और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा या आप लोग चीज़ें सीख रहे होंगे। आई विश आप लोग और इम्प्रूव करें और फाइनल सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।